नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में है अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। कितना क्षेत्रफल है, कितनी जनसंख्या है, कितना जनसंख्या घनत्व है, सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश कौन सा है, और जनसंख्या में सबसे बड़ा वाला देश कौन सा है, और जनसंख्या और सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, इस संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख जानकारियों की। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल है 3,70,000 वर्ग किलोमीटर है कुल क्षेत्रफल अफ्रीका महाद्वीप का, जो कि संपूर्ण विश्व का कितना है, संपूर्ण विश्व का है लगभग 20% है यह संपूर्ण विश्व का। इसके बाद जनसंख्या की बात करते हैं, तो जनसंख्या है आप 1,21,61,30,000 जनसंख्या है, जो कि संपूर्ण विश्व की लगभग 16% है। इसके बाद दोस्तों, जनसंख्या घनत्व की बात करें, तो अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व है 31 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद चलते हैं आगे क्षेत्रफल में बात करें। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है, अल्जीरिया देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, और क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा देश है सेशेल्स सबसे छोटा देश। और जनसंख्या की बात करें, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया। नाइजीरिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप की पाई जाती है। इसके बाद बात करें, सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो सबसे कम है मौटी देश है सबसे कम जनसंख्या वाला देश अफ्रीका महाद्वीप का। इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप। दोस्तों, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के मामले में अफ्रीका महाद्वीप का स्थान दूसरा है, अफ्रीका कौन सा दूसरा स्थान रखता है जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो अफ्रीका के क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल या पर स्थिति की बात करें, तो अफ्रीका के उत्तर में तो है भूमध्य सागर एवं यूरोप महाद्वीप। उत्तर में क्या है यहाँ पर आप देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ उत्तर में है भूमध्य सागर और यूरोप महाद्वीप, और इसके बाद पश्चिम में, यानी कि ये पश्चिम में मिल जाएगा आपको अंध सागर है, और यहाँ पर दक्षिण की बात करें, दक्षिण में है अटलांटिक महासागर। दक्षिण में क्या है, अटलांटिक महासागर है। इसके बाद पूर्व में है अरब सागर, पूर्व में यानी कि यहाँ पर है अरब सागर, पूर्व में अरब सागर है। यह चारों दिशाएँ आपको याद करनी है। इसके बाद दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप का धरातल प्राचीन कहाँ का है, गोंडवानालैंड का है। दोस्तों, कहाँ का, गोंडवानालैंड का हिस्सा है कौन, अफ्रीका महाद्वीप। यह भारत भी गोंडवानालैंड का हिस्सा है, भारत देश अपना। इसके बाद दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश है, कितने 54 देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में यूएनओ के हिसाब से। इसके बाद दोस्तों, आगे बात करते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप धरती का सबसे गर्म महाद्वीप माना जाता है, यानी कि सबसे अधिक तापमान इसी महाद्वीप पर पाया जाता या होता है। इसके बाद दोस्तों, मिस्र देश है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित, मिस्र देश को एशिया और यूरोप का जनसंघ कहा जाता है, इसके बाद दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी नदी है जो नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, और यह दोस्तों नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिर जाती है, यानी कि
विक्टोरिया झील से भूमध्य सागर तक बहती है। इसके बाद दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, सहारा मरुस्थल। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, यह भी अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। कहाँ पर, अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। दोस्तों सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग 94 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी कि बहुत बड़ा है। कितना, 94 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके बाद दोस्तों विक्टोरिया झील भी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। दोस्तों यही विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी। दोस्तों विक्टोरिया झील का क्षेत्रफल है 69,485 वर्ग किलोमीटर और यह इसकी औसत गहराई है ओनली 79 मीटर, औसत इसकी गहराई है। इसके बाद आगे बात करते हैं तो किलिमंजारो पर्वत है यहाँ पर साउथ अफ्रीका में। कौन सा, किलिमंजारो। दोस्तों यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत या सबसे ऊंची शिखर या सबसे ऊंची चोटी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस पर्वत शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 5,895 किलोमीटर है, 5,895 किलोमीटर है। किसकी, किलिमंजारो पर्वत चोटी की ऊंचाई। इसके बाद आगे बात करें दोस्तों यहाँ पर मेडागास्कर द्वीप है, यहाँ पर कौन सा, मेडागास्कर द्वीप है, जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा और विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा और विश्व का चौथे नंबर का द्वीप है। दोस्तों इसका क्षेत्रफल है 887,041 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय प्राणी है, कौन है, अफ्रीकन हाथी है। दोस्तों अफ्रीकन हाथी एवं सबसे लंबा जानवर जिराफ भी अफ्रीका में ही रहते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों सबसे तेज स्थलीय प्राणी, जो सबसे तेज भागने वाला स्थलीय प्राणी इसका, जिसे बोलते हैं चीता। दोस्तों यह भी कहां पर, अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। दोस्तों अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाला गोरिल्ला पृथ्वी का सबसे बड़ा नर वानर बंदर माना जाता है, सबसे बड़ा नर वानर बंदर माना जाता है। इसके बाद दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में किम्बरले खान विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है, कौन सी दोस्तों, किम्बरले खान विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का जोहान्सबर्ग नामक नगर विश्व के प्रमुख स्वर्ण उत्पादक नगरों में से एक है, विश्व के प्रमुख स्वर्ण उत्पादक नगरों में से एक है, कौन सी, जोहान्सबर्ग। दोस्तों यहाँ पर यह एक खान भी है स्वर्ण की, जो जोहान्सबर्ग खान के नाम से ही जानी जाती है। इसका दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का आइवरी कोस्ट देश का नाम है। यह विश्व में सर्वाधिक कोको उत्पादन करने वाला देश है, इसके बाद दोस्तों अगला है अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया पाई जाती है या मिलती है। इसके बाद अफ्रीका के कांगो गणराज्य। दोस्तों इसे वनों का देश कहा जाता है, कांगो किसको, वनों का देश कहा जाता है कांगो गणराज्य को। तो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक नागरीकृत देश कौन सा है, लीबिया, इसका नाम है लीबिया, यह दोस्तों सर्वाधिक नागरीकृत देश है। तो दोस्तों अफ्रीका का सबसे अधिक साक्षरता वाला देश कौन सा है, साक्षरता वाला देश है जिम्बाब्वे, यह दोस्तों जिम्बाब्वे सर्वाधिक साक्षरता वाला देश है। दोस्तों विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल है गल अजीजिया है। दोस्तों यह कहाँ पर, लीबिया में है, लीबिया अफ्रीका में ही स्थित है, लीबिया देश में अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है।
दोस्तों यहाँ अब तक का सर्वाधिक तापमान 136 डिग्री फ़ारेनहाइट से या 58 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जो किया गया था 13 दिसंबर 1922 को रिकॉर्ड किया गया था। इसलिए इसे विश्व का सबसे गर्म महाद्वीप भी माना जाता है। दोस्तों अफ्रीका की कांगो नदी है, जो अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली कांगो नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। अफ्रीका में यह दोनों नदियां बहती हैं। अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली कांगो नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है और लिम्पोपो नदी काटती है मकर रेखा को दो बार काटती है। दोस्तों गोल्ड कोस्ट के नाम से जाने जाना वाला देश घाना है। गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश का नाम है घाना। घाना देश है जिसका उपनाम है गोल्ड कोस्ट। इसके बाद दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से विषुवत रेखा, कर्क रेखा व मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। विषुवत रेखा भी गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद दोस्तों अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें सावाना और शीतोष्ण घास के मैदान या बेल्ट कहलाते हैं। बेल्ट के नाम से जाना जाता है के मैदान बेल्ट कहलाते हैं। यह दोस्तों यह बेल्ट के नाम से जाने जाते हैं, सावाना और शीतोष्ण घास के मैदान बेल्ट के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादन होता है। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश है ट्यूसिया। ट्यूसिया देश है जहाँ पर सर्वाधिक जैतून का उत्पादन होता है। इसके बाद दोस्तों स्वेज नहर की बात करें तो स्वेज नहर का निर्माण, स्वेज नहर जो कि अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में नहीं है दोस्तों, लेकिन मिस्र देश का इस पर अधिकार है स्वेज नहर का। दोस्तों यह इसका निर्माण 1869 में किया गया था और इसकी लंबाई है 168 किलोमीटर। कितनी है? 168 किलोमीटर है। और दोस्तों स्वेज नहर का मिस्र द्वारा अधिकार किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया था 1956 में किया गया था। कब किया गया था? 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था मिस्र द्वारा किया गया था। इसलिए यहाँ स्वेज नहर पर मिस्र का अधिकार है। दोस्तों यह स्वेज नहर वही है जो एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय।